एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते। सबसे पहला फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मींस दो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के जस्ट बाद दूसरा, उन दोनों के बीच डिफरेंस वन का है। जैसे अगर 5 कंसिडर करते हो तो दूसरा नंबर 6 होगा, अगर 7 कंसिडर करते हो तो दूसरा नंबर 8 होगा। दीज आर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार कंटिन्यूअस विथ अ डिफरेंस वन, इन दोनों के बीच डिफरेंस वन होना चाहिए। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि उसके स्क्वायर का अगर हमने एक टर्म मान लिया एक्स, तो दूसरा टर्म अपने आप हो जाएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि दोनों ही टर्म्स कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, इट कैन बी आइदर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, दोनों ही कंसेक्यूटिव होगा। अगर 5 और 4 देखा जाए वो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 5 और 6 वो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो हमने दो टर्म्स कंसिडर किया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर किया, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन, ये दोनों पॉजिटिव है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब उन दोनों का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन, दोनों नंबर्स का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पर वो हो जाता है 365। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स, वो जो दो नंबर हमने एज्यूम किया वो हमें फाइंड करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो एक्स है, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है दे आर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव है तो एक्स प्लस वन होगा। अब दो नंबर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम वो है 365 के इक्वल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365, और वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आया तो माइनस 365 प्लस 1, दैट इज माइनस 364 इक्वल टू 0। वी कैन टेक 2 एज कॉमन, देन व्हाट वी विल गेट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 8 जा 16 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दिया जाए 0 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई एनी मेथड। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करिए, तो 182 है। ठीक है, अब इसे किससे डिवाइड किया जाए कि वो जो दो फैक्टर्स होंगे उसका सम या सब्ट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू इस एक्स के कोफिशियंट यानी कि 1 के इक्वल हो जाए। तो वी हैव, वी विल टेक, क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर 2 कंसिडर करें 9 1, ठीक है, देन वी विल डिवाइड इट बाई 13, ठीक है, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, क्लियर है। देन वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज टेकिंग x एज कॉमन, x प्लस 14 इंटू माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 13 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू प्लस 13, इट विल बी रिजेक्टेड। वाई इट विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज ऑलरेडी गिवन ए क्वेश्चन में दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है नेगेटिव टर्म है, इट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज x इक्वल टू 13, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड द सेकेंड नंबर विल बी 14 आंसर। सो दिस विल बी द आंसर 13 एंड 14। थैंक यू।